वहाबी और सुन्नी आप सुना दी, मुझे याद नहीं आप सुना दीजिए। वहाबियों का अकीदा, वहाबियों का, वहाबियों का नहीं, दीवार के पीछे खबर नहीं, सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। हर बच्चा इसे याद कर ले, और जब कोई वहाबी मिले तो जोर से पढ़े उसे। सुभान अल्लाह। आजकल बहुत ही हमले हो रहे हैं, कभी सामने से कभी पीछे से। अभी मस्जिद के और ट्रस्टियों के खिलाफ एक सर्कुलर जारी हुआ है, तमाम घरों में डाला गया है, ईमेल किया गया है, जिसमें बहुत से इल्जाम लगाए गए हैं। एक इल्जाम ये है कि ये लोग मस्जिद इसलिए बना रहे हैं ताकि ट्रस्टी अपने खानदान को क़यामत तक पालते रहें। पहले कहते थे बनाते क्यों नहीं है, अब बनने वाली है तो कहते थे बना क्यों रहे। इसी तरीके से बहुत सी बातें हैं। उसमें जो चीज मुझे परेशान कौन थी वो ये थी कि उसने लिखा है कि ये मौलाना साहब जो है ये काफिर बनाते हैं लोगों को, रसूल तो मुसलमान बनाते हैं, कोई मुसलमान को काफिर, हम काफिर काफिर कहते हैं जो अली गुस्ताख है, इसका मतलब ही किसके पीछे कोई वहाबी है। वो बगैर नाम के शाया किया गया है, कुछ हमारे होस्ता सीधे साधे लोग उसके साथ शरीक हो गए हों, लेकिन ये अंदाज बता रहा, कोई सुन्नी ये नहीं कहेगा कि मौलाना किसी काफिर बनाते हैं, ये वहाबियों की बोली है। इससे अंदाजा होता है कि इस राइटिंग के पीछे जो तस्लीम की गई है मकसद ये है कि लोगों को बदगुमान कर दो ताकि मस्जिद बनने ना पाए। मस्जिद बनेगी इस तरह के छोटे इल्जाम से नहीं बनती। और मैं आपसे कहूँ फिर सब्र कीजिए आप, कुछ लोग जज्बाती हो रहे थे, हम समझ लेंगे, किससे समझ लेंगे आप, कोई नाम ही नहीं है उसमें, नाम के बस नाम समझा आपने, आप मस्जिद बनाइए बस, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। सब्र कीजिए, खामोश रहिए, अल्लाह घर बन जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत जरूरी है कि इसका आप मुकम्मल ख्याल रखें। बहुत से इल्जाम लगाए गए, ये किए गए कि आजकल मौलाना मुसलसल जो है दरक के खिलाफ बोल रहे हैं, जिना के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वाकया राज्य में हुआ था जो मुसलमानों के लिए शर्म का था, इसलिए मुसलसल कई दफे यकीन कहते हैं आजकल क्यों ये बोल रहे हैं, पहले तो इन्होंने फैलाया, यानी अंदाज यह था कि मेरी वजह से दरक फैलाया। हाँ, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, आप 35 साल जानते हैं कि बुराइयों के खिलाफ मैं बोलता रहा हूँ बगैर किसी खौफ के, शराबियों के खिलाफ, सानियों के खिलाफ, बदकिरदारों के खिलाफ, हरामखोरों के खिलाफ, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, शमशीर बहना मुझे किसी की परवाह नहीं रही है। और हमेशा मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ, किसी मर्दूद से डरने की मुझे ताकत मुझे जरूरत नहीं है। समझा आपने, इसलिए हर शराबी मुखालिफ है, हर ड्रग बेचने वाला मुखालिफ है, हर वहाबी मुखालिफ है, हर कादियानी मुखालिफ है, हर बदकिरदार मुखालिफ है, हुआ करे मुखालिफ, ये अल्लाह का पैगाम है जो पहुंचता रहेगा। समझा, ये घरों में तकसीम किया गया, उसमें कोई नाम तो नहीं है, मगर इसलिए हम, लेकिन जो इबारत है, जो लहजा है, कोई मुसलमान मुसलमान होकर के किसी सुन्नी मस्जिद के मुकाबले में रोकने की कोशिश नहीं करेगा, या ऐसी फजा नहीं पैदा करेगा कि जिसकी बुनियाद पर चंदा रुक जाए। इसका मतलब यह है कि इस तरह गलतफहमी पैदा करके बच्चों नौजवानों के इंग्लिश में उर्दू में ई मेल करके यहां तक पुलिस स्टेशन भी पहुंची हो, वो इबारत वो आए थे पूछने की भाई क्या हो रहा है आपके यहाँ। मैंने कहा यार 35 साल में कोई शिकायत आपने सुनी आज तक मुझसे, आज तक इस मस्जिद में किसी के परंद आवाज की बात नहीं सुनी आपने, यहां कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, और जब होगा तो हम आपको बताएंगे। तो ये सूरत हाल होगी, समझा आपने। तो ये वहाबी बद किरदार मुमकिन है, दो चार सुन्नी भोले भाले उनको इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, लेकिन ये जो तहरीर है इसमें मस्जिद के फंड को रोकने की कोशिश है ताकि मस्जिद बनने न पाए। पहले कहते थे बनाते क्यों नहीं है, मस्जिद बन गई और हमारे पास 4000 अफराद के नमाज पढ़ने की जगह भी इनकी मस्जिदें खाली हो जाएंगी, इसलिए वो रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी न किसी बुनियाद पर कोई चंदा न मिले। मरी अल्लाह का घर है यार, अल्लाह घर कभी न रुकता है न कभी रोका गया। बस नौजवानों से कहूंगा, मुझे बहुत सी बातें सुनने में आई हम ये कर लेंगे, नहीं भाई कुछ न करने यार, कुछ न करना, जब तक मस्जिद नहीं बन जाती कुछ मत करना। वो चाहते हैं झगड़ा हो ताकि ये मस्जिद रुक जाए, ये उनकी ख्वाहिश है कि झगड़ा हो ताकि मस्जिद रुक जाए, खबरदार कुछ मत कहना उन्हें। हम कुछ भी, ये जो इल्जामात हैं ये बराह रास्त